ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पहला अध्याय तीसरा श्लोक मिलकर पढ़ते हैं। संजय कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ये वचन बोलते हैं। पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण। तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन के शब्दों को ध्यान से समझिए। वो कह कुछ रहा है, भाव कुछ और ही है पीछे। पहले आचार्य शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा है इसे समझें। आप आचार्य हैं, मैं तो शिष्य मात्र हूं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप पर निर्भर हूँ इस युद्ध को जीतने के लिए। आपके बिना ये हो ही नहीं सकता कि मैं जीत जाऊँ। इस भाव से दुर्योधन आचार्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। दूसरा भाव एक ये भी है कि आचार्य आप पांडवों के भी हैं, स्नेह आप उन पर भी रखते हैं। अर्जुन को आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं। आपने ये भी कहा है कि उससे बेहतर धनुर्धर शायद ही कोई दूसरा हो इस पूरे विश्व में। पर आप हमारे भी आचार्य हैं, ये स्नेह पाश को बीच में मत आने दीजिएगा। जब आप अर्जुन से युद्ध करें तो मेरे सेनानी होकर, मेरे पक्ष के योद्धा होकर युद्ध करें, अर्जुन के गुरु होकर नहीं। आपके बाणों की तीव्रता और तीखापन और जोर कुछ ज्यादा ही हो उसके प्रति। फिर दुर्योधन कटाक्ष करता है, दुर्योधन हमारा गुरु है इस मामले में, हमें बता रहा है कि हमें वाणी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कहता है द्रुपद पुत्रेण, जो उनका सेनापति है, जिसने व्यूह की रचना करी है, वो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो द्रुपद ने आपको मारने के उद्देश्य से यज्ञ करवाकर यज्ञ के फल के रूप में पाया है। उस धृष्टद्युम्न ने आपसे शिक्षा ली है, वो आपका शिष्य है, उसके बावजूद भी वो आपको मारने के लिए तत्पर है। आप ध्यान रखिए और द्रुपद को कभी मत भूलिएगा, वह आपका वैरी है। मत भूलिएगा आप कि उसने जो आपको वचन दिया था आधा राज्य देने का, वो उसने पूरा नहीं किया था और आपको अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकाला था।
और आपने फिर प्रण किया था उसके नाश का। ये सारे भाव मन में रखते हुए दुर्योधन आचार्य से बात कर रहा है। हमें क्या सीखना है इस पूरे संवाद से, कि हम अपने बड़ों के साथ कटाक्ष न करें, हमारे मन में और वाणी में एक ही भाव हो, आदर हो, सत्कार हो आचार्यों के प्रति। खासकर भगवान तप के बारे में जब बात करते हैं बाद के एक अध्याय में, 17वें अध्याय में, वे कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। ये शरीर का तप होता है। भगवान कह रहे हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ, गुरु और बुद्धिमान पुरुष और देव पुरुष, देवता जन, उन सबका पूजन करना, ये एक तप है। वाणी से भी उनका पूजन हो, कर्मों से भी उनका पूजन हो। दुर्योधन ये तप नहीं कर रहा है यहाँ। आने वाले श्लोकों में, अगले 3 श्लोकों में वो उन महारथियों के नाम गिना रहा है जो पांडवों की तरफ खड़े हैं। ये 3 श्लोक भी पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ना। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन कह रहा है यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान यानी सात्यकी जो अर्जुन का शिष्य है, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं, धृष्टकेतु, चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5ों पुत्र भी हैं, ये सब के सब महारथी हैं। दुर्योधन आचार्य को सामने की सेना में खड़े महावीरों के नाम बता रहा है, कह रहा है ये अर्जुन और भीम की भांति योद्धा हैं, शक्तिशाली हैं। आचार्य के मन में थोड़ा आक्रोश जगाने का प्रयत्न कर रहा है दुर्योधन, पर कहीं तो धृष्टता सी लगती है यहाँ पर, जिस तरह से वो आचार्य से बात कर रहा है, आदर नहीं झलक रहा इस बात में। तो इसको ठीक करने के लिए वो अब अगले श्लोकों में अपनी सेना के बारे में बताएगा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ही ओम तत्सत।